अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आसमा। लाइक एंड शेयर माय चैनल। आज हमने बनाया है करेले को। जो करेले नहीं भी खाता, इस तरीके से बनाए खाना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले हमने 500 ग्राम करेले लिए, हमने वो साफ़ कर लिए। फिर हम लोग इसको बारीक काट लेंगे और नमक लगा के इसको हम लोग तकरीबन 1 आवर के लिए छोड़ के फिर अच्छे से वॉश कर लेंगे। और फिर मैं तकरीबन 1 कप के बराबर हम लोग एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। उसमें हम लोगों ने जो करेले वॉश किए हैं उनको हम लोग फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर जब हो जाएगा तो हम लोग ये करेले निकाल लेंगे। हमारे करेले फ्राई हो गए, हम लोग इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़े के ये बनेंगे। और जो करेले नहीं भी खाते वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। और 200 ग्राम मैंने प्याज लिया है, स्लाइस में काट लिया है। इसको हम जैसे सोते करेंगे। प्याज हमारा सोते हो गया है। अब हम लोग इसमें, मैंने मटन था 300 ग्राम बॉयल है, मैंने इसको पहले से नमक डाल के गिला लिया था, वो मैंने डाल दिया। हल्का सा फ्राई किया। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और मिर्चियाँ डाली हैं 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और हम लोग और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये होममेड है। और 300 ग्राम मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और हम लोग इन मसालों को फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे हम लोग जब तक हमारा मसाला अच्छे से फ्राई ना हो जाए, टमाटर गल ना जाए। हमने ये जो करेले गोश्त बनाना है इसमें थोड़े से खड़े खड़े मसाले अच्छे लगते हैं बहुत ही। अब हमारे बिल्कुल हमने मैश ही नहीं बनाने। अब हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो गया, हम लोग इसमें करेले डाल देंगे जो फ्राई किए हुए हैं। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम लोग मज़ीद कुक कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। अच्छे से हम लोग कुक करेंगे, अच्छे से जब हमारा जो करेले और गोश्त है फ्राई हो जाएगा, 5-6 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अब हम लोग फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के एंड में डाल देंगे। और हम लोग इसको, हमारा करेले गोश्त रेडी है। अब हम लोग इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़े के लगते हैं। और एक बात, नमक अपना हिसाब का डालिएगा, क्योंकि जब हम लोगों ने करेलों को धोया था, जब हम लोगों ने इसको काट के रखा था, नमक तब भी डाला था। तो करेलों में थोड़ा नमक आप लोग कम डालिएगा। हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।